बट इफ अगर एफिशिएंसी 80% है या इन जनरल एक्स परसेंट, जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, एक्स परसेंट है एफिशिएंसी, तो फिर हम फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करके यूज करने वाले हैं? देन फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, हम लिखने वाले हैं वीएस आईएस अपॉन वीपी आईपी इक्वल टू एक्स बाय 100। यहां से सॉल्व कर लेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू होगी डाल देंगे। तो अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो ये स्टार वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस हो गए। कौन से लॉसेस हो गए वे डिस्कस करते हैं, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। व्हेन सर्किट इन द प्राइमरी रिविजन है, कॉइल चेंजेस बीइंग अल्टरनेटिंग इन नेचर, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गेट्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस विच इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी। ये इसकी वर्किंग की कहानी। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी अभी अभी तुमने फॉर्मूला देखा ईटा, तो इसको जो पावर इनपुट है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक और फॉर्मेट में, पावर आउटपुट प्लस पावर लॉस, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन चालू हो जाते हैं तो पहले एनर्जी लॉसेस लिख लेते हैं, सब एडिंग दो नंबर में क्वेश्चन आता है। ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी एंड वर्किंग पूरी हो गई, एनर्जी लॉसेस इन टीएमएमआर, इनके नाम पूछे जाते हैं खाली, नाम ही काफी, एनर्जी लॉसेस इन टीएमएमआर। हालांकि वाइंडिंग कॉपर के वायर से बनाई है पर कॉपर जो है उसका रेजिस्टेंस कम तो होता है पर जीरो नहीं होता, कुछ रेजिस्टेंस है उसका, तो जो कुछ भी रेजिस्टेंस है उसमें आई स्क्वायर आर टी हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, इसको कहते हैं कॉपर लॉस। एनर्जी लॉसेज ट्रांसफॉर्म पहला नाम तुम्हें याद रखना है, कॉपर लॉस ब्रैकेट में लिखोगे आई स्क्वायर आर टी लॉस जूल हीटिंग के कारण। जूल हीटिंग पढ़ा था फॉर्मूला, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वो है गर्म हो जाएगी। दूसरा ट्रांसफॉर्मर का जो लोहा है, कहां पर है लोहा, कोर में, उसमें जो लॉस होता है उसको कहते हैं आयरन लॉस, दूसरा नाम भी है कोर लॉस, तो सेकेंड नेम लिखोगे आयरन लॉस और कोर लॉस, और जितना लिखवा रहा हूं उतना ही लिखना है, बाकी सब सुनना है ध्यान। आयरन लॉस और कोर लॉस दो तरह का हो सकता है, अगर हमने कोर जो है सॉफ्ट आयरन से बनाई है तो उसका कारण तुम जानते हो पढ़ के आए, हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए, और अगर हमने कोर को लैमिनेटेड कर दिया है स्ट्रिप से बनाया है तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, तो ये दो तरह के लॉस हैं जो कोर में होते हैं। कोर लॉस या आयरन लॉस में डैश लगाकर दो एरो निकालो, दो एरो निकालकर एक पर लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉस, एच वाई एस टी ई आर ई एस आई एस हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरे पर लिखोगे ई डबल डी वाई ए डी करेंट लॉस। हाँ वो सही है पर ये लॉस है क्षति, तो एडी करेंट्स, ओके करेंट्स कर दो, एडी करेंट्स लॉस, वो बोलने में अटपटा लगता है, एडी करेंट लॉस बोलने में ज्यादा सही लगता है, इसलिए लिखने में वो आता है। फिर तीसरा जिसका नाम अभी ले आता है यहां पे, फ्लक्स लीक हो रहा है, तो इसकी इसकी इमेज भी दिखाऊंगा मैं, फ्लक्स लॉस, तीसरा नाम फ्लक्स लॉस, चौथा नाम हमिंग लॉस, एच यू डबल एम आई एन जी हमिंग लॉस, इसका एक और नाम होता है वो सिर्फ सुनाऊंगा तुमको दिखाऊंगा, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। हमिंग लॉस का मतलब है ट्रांसफॉर्मर के पास जाकर अगर खड़े हो, बाहर बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, एक आवाज आएगी ऐसे, एक आवाज आएगी, तो ये आवाज के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, इसे आ रही, तो इस साउंड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, बोलते हैं हमिंग, हमिंग बर्ड जो होता है ना, हमिंग लॉस, एच यू डबल एम आई एन जी। इसके बाद एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मर कहां का क्या क्या काम आते हैं हमारे, नेक्स्ट
एप्लीकेशन, तो तुम देखोगे ऑलमोस्ट जितनी भी तरह के पावर सप्लाईज है उनमें ट्रांसफॉर्मर एसेंशियली मौजूद होता है। अब पावर सप्लाई में क्या क्या है हमारे पास, विंडो 95 जब चलाते थे तो इतना बड़ा भारी सा डिवाइस होता था कंप्यूटर चलाने के लिए, उसको बोलते थे सीवीटी, उसकी फुल फॉर्म था कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद जब विंडो एक्सपी आया तो एक्सपी जो है करंट हो जाता था, बार बार वो बिजली जाए ऑन ऑफ हुए तो करंट हो जाता था, तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे डिवाइस की बिजली जाने पर भी जो स्टैंड बाई पावर सप्लाई दे सके। तो बैटरी वाला ये डिवाइस, बैटरी एसोसिएट कर दी हमने और इसको बनाया यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें ट्रांसफॉर्मर है, स्टेबलाइजर में होता ही था, जितने भी तरह के अडप्टर है सब में ट्रांसफॉर्मर है, बैटरी चार्जर में ट्रांसफॉर्मर है, टीवी वीसीआर सब में ट्रांसफॉर्मर है, टीवी में कंप्यूटर में एसएमपीएस सप्लाई होती है, एसएमपीएस सिमुलेटेड पावर सप्लाई, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। ये ट्रांसफॉर्मर जो तुमने पढ़ा ये ऑर्डिनरी था, इसमें मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर हम बनाते हैं, यानी मल्टी टैप यानी कुछ टर्न्स के बाद एक कनेक्शन निकाल लिया, फिर कुछ टर्न्स के बाद एक और कनेक्शन निकाल लिया, तो ये जो आउटपुट सेकेंडरी से हमने अलग अलग टर्न निकाले, मल्टी टर्न, मल्टी टैप, मल्टी कॉन्टेक्ट, तो उनमें अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। मान लो वीडियो सेक्शन को 24 वोल्ट चाहिए 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट उसको देंगे, ऑडियो सेक्शन को 12 वोल्ट चाहिए तो उसको 12 वोल्ट देंगे, सेम ट्रांसफॉर्मर पर्पस सॉल्व करेगा। तो ऐसी जो सप्लाई बनती है उसको बोलते हैं एसएमपीएस। तो पहले लिखोगे एप्लीकेशन में फर्स्ट, इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज, इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज सच एज स्टेबलाइजर, सच एज स्टेबलाइजर कॉमा सीवीटी, सीवीटी कॉमा यूपीएस एडॉप्टर, एसएमपीएस, ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है कैपिटल में लेके जाती है एसएमपीएस एटसेट्रा। नेक्स्ट, वेल्डिंग मशीन इटसेल्फ इज ए ट्रांसफॉर्मर, तो कहते देखिए वेल्डिंग मशीन नथिंग बट ए ट्रांसफॉर्मर। अब तुम्हें पता लगाना है स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, लॉजिकली सोच के देखना वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, और वेरीफाई करना है स्पेक्ट को। वेल्डिंग के लिए करंट ज्यादा चाहिए या वोल्टेज ज्यादा चाहिए, दोनों ज्यादा चाहिए, वेरीफाई करना। वेल्डिंग मशीन इटसेल्फ इज ए ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, और कहा इट इज यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, एक नई टर्म आ रही है अभी तो लिख लो, इसको मैं समझाऊंगा लास्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इम्पीडेंस पढ़ चुके हो तो इम्पीडेंस मैचिंग मैच कराना है, इम्पीडेंस मैचिंग, हमें इम्पीडेंस मैच कराने की जरूरत क्या पड़ती है इसको डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। एक और एप्लीकेशन लिखोगे ट्रांसफॉर्मर की, इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। नेटवर्क वर्ड और अलग, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, इसकी एक इमेज माइंड में स्टोर करो। पावर प्लांट पे पावर जनरेट हुई या तो 220 पर या तो 440 पर या तो 660 वोल्ट, 11 के मल्टीपल में चलता है। वहां जो जनरेटर लगा हुआ है एसी जनरेटर, उसने 440 वोल्ट पैदा किए। अब 440 को शहर भेजना है, शहर की जरूरत है 800 मेगावाट 800 मेगावाट। तो तुम जानते हो करंट होती है I इक्वल टू पी बाय वी, अगर 440 पर भेजूंगा 800 मेगावाट पावर को तो इतनी करंट वायर में फ्लो होगी, जो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए तार बहुत मोटा चाहिए, नहीं तो वायर गर्म होकर पिघल जाएगा, या तो सुपर कंडक्टर यूज करें, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वहां लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाकर इस 440 को 44,000 कर देते हैं 44 केवी। ऐसा करते वो करंट कम हो जाती, हमारा काम चल जाता है। अब 44 के भी यहां घर में तो नहीं दे सकते, स्टेप में यानी स्टेजेस में इसको डाउन करते हैं। पहले आता है ये
मेन सब मेन स्टेशन मेन ग्रिड स्टेशन जैसे महावीर वाला स्टेशन मेन ग्रिड स्टेशन वो 44 केवी को 33 केवी में स्टेप डाउन करता है 33 केवी वहां से ज्यादा सिटी सब स्टेशन ऐसे कई स्टेशन बने हुए जैसे इंद्र विहार में यहाँ पे डाकघर के पीछे वो बना हुआ है वहां पे लगे हुए अलग अलग ट्रांसफॉर्मर वो 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर रहा है 11 किलो वोल्ट और वो 11 किलो वोल्ट यहां तक आ रहा है गली मोहल्लों तक एलन में बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है वो 11 किलो वोल्ट को 230 में स्टेप डाउन कर रहा है ये सारे स्टेप डाउन है पावर प्लांट पे स्टेप अप है तो अगर ये ट्रांसफॉर्मर नहीं होते तो सोचो ट्रांसमिशन कैसे होता एनर्जी का इतना लॉस होता ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आई स्क्वायर आर टी लॉस भी बढ़ जाता है अगर करंट ज्यादा हो तो आई स्क्वायर आर टी लॉस कम करने के लिए क्योंकि करंट कम हो जाएगी तो ये हमने ट्रांसफॉर्मर वो पढ़ा पहला सवाल बताओ अगर तुम्हें दिखाई दे रहा तो ठीक है नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूं ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रेफर्स टू वन इन विच आंसर ऑलरेडी है दिख रहा तुमको तो रिवाइज कर लो खाली द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज हायर देन द प्राइमरी अगली बार मॉडिफाई करेंगे आंसर पहले से दिखेगा इफ द करंट इन द सेकेंडरी इज हायर देन इन द प्राइमरी तो तुम क्या जज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर कौन सा है करंट ज्यादा है तो वोल्टेज क्या हो गया वोल्टेज कम हो गया वोल्टेज कम हो गया मतलब कौन सा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होगा आदर्श ट्रांसफॉर्मर नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस यानी सुपर कंडक्टर ओके ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर ए ट्रांसफॉर्मर दैट कैन डिलीवर मोर पावर टू द लोड देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सोर्स इज जितनी रिसीव कर रहा है उससे ज्यादा पावर डिलीवर कर सकता है क्या नहीं कर सकता ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाया ना बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन मैंने लिखा दी तुमको ठीक है वो जो एक ट्रांसफॉर्मर दिखाने वाला था उसमें प्लस लॉस की जरूरत नहीं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हेडिंग लगाओ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 3 मास ये कंबाइंड कर दिया गया है रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स के साथ तो ऑप्टिक्स के साथ मिलाकर कंबाइंड वेटेज 17 मार्क्स है 17 में से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं कभी 3 नंबर का एक ही सवाल आता है कभी एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का 5 नंबर का सवाल इसमें नहीं बनता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपेगेट करती हैं तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था वहां तुमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली चार्ज एंड यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो वहीं पर जुड़ा हुआ स्टेटमेंट था एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ EMF तो यहां देखो ये दो प्लेट से कैपेसिटर की इनको कनेक्ट किया है दो मेटलिक नॉब से इनके बीच की एयर का आयनाइजेशन हो जाता है चार्ज जंप करता है नॉब के बीच में चार्ज जंप करेगा मैं भी अगर जंप करूंगा तो मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं और मैं अगर एक्सेलरेट हो रहा हूं चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है अभी हम सीखेंगे कंसेप्ट वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट जो कि दिखाई नहीं देती ऐसी करंट जो होती है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए परपेंडिकुलर प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं प्रोपेगेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं सिलेबस नोट करो पहला पॉइंट जो तुम्हें पढ़ना है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लिखते लिखते याद रखो सुन लो डिस्प्लेसमेंट करंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछले छह साल में कितने पेपर हुए 12 मेन सप्लीमेंट्री पिछले 6 साल में जो 12 पेपर हुए हैं उनमें 10 बार आया है डिस्प्लेसमेंट करंट पे अलग अलग तरह से घुमा तो तुम्हें से कई लोग आश्चर्य में पड़ जाते होंगे जैसे केमिस्ट्री वाले सर तुमको बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस वो बताते कई बार 40 साल बताते हैं 40 साल के आज हुए हो ठीक है टुडे और मैं उनसे 3 साल बढ़ा तो वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसे काउंट करते हैं बोलते हैं कि मान लो 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो मेन सप्लीमेंट्री कितने हो गए 40 पेपर हो गए तो बोलेंगे 40 साल ये उनका लॉजिक है मेरा नहीं है ठीक है
तो हाँ मुझे 23 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो 23 इयर्स क्रॉस हो गए 24 चल रहे। तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो हमको अच्छे से तैयार कर। नेक्स्ट ये नोट करोगे ईएमडब्ल्यू, इसी में डैश लगा के तुम लिखोगे क्योंकि इसी का इससे एसोसिएटेड टॉपिक है, देयर करेक्टरिस्टिक्स। लास्ट ईयर और इस ईयर सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, लास्ट ईयर तक के सिलेबस में लिखा होता प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, अभी उन्होंने प्रोडक्शन वाला पार्ट हटा दिया है, फिर भी हम प्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। यहां सीधे डायरेक्ट आ रहा है देयर करेक्टरिस्टिक्स ईएमएस की, इसी में छोड़ोगे कॉमा देयर ट्रांसफर्ट नेचर, ईएम बेस्ड नेचर में ट्रांसफर्ट होती है, देयर ट्रांसफर्ट नेचर। पर तुम्हें सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, क्वांटिटेटिव नहीं करना, ब्रैकेट में लिखो क्वालिटेटिव। एनसीईआरटी में क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है, वो सिलेबस में नहीं है और ये शुरू से नहीं है, तो ये नहीं करना है हमको। नेक्स्ट दो पार्ट में बांट सकते हो तुम, ये यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है ईएमडब्ल्यू का, ये दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं रेडियो वेव से लेकर गामा रे तक सबको अरेंज कर दूं वेवलेंथ वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज एक सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे कम होती है या सबसे ज्यादा? जवाब है सबसे ज्यादा। जैसे जैसे हम गामा की तरफ जाएंगे वेवलेंथ कम हो रही है, गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, एनर्जी गामा की सबसे ज्यादा होती है। तो तुम याद रख सकते हो इक्वल टू एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये हमें इनके बारे में पढ़ना है, सब नोट करना है तुमको। लास्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। कौन सा पार्ट किस काम आता है, रेडियो वेव्स क्या काम आती है, माइक्रो इन्फ्रा